तो फ्रेंड आज फिर जा रहे हैं मिर्ची का बेहन छीटने, क्योंकि जो पहले मिर्ची लगाया था वो मिर्ची हुई नहीं, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, हवा थी कि वो सब मिर्ची का पेड़ जो था वो पूरा मर गया। तो अभी देख सकते हैं कि मेरे हाथ में मिर्ची का जो है बीज है, और ये इंडिया कंपनी है। यहाँ पे सऊदी अरबिया में जो भी बीज आपको चाहिए, मिर्ची, भिंडी, मूली, करेला, बैगन, जो भी चाहिए सब इंडिया से एक्सपोर्ट होके आता है। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये इंडिया कंपनी है, और ये मिर्ची अभी छीट दिए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक पूरी मिर्ची रहेगी। इसमें कम से कम अगर मिर्ची निकल गई तो 2000 पेड़ निकलेगा। 2000 में से उसमें से मरेगा कोई, कोई जिंदा रहेगा। होते होते मुझे मिलेगा 700 पेड़, और 700 पेड़ लगा देंगे तो बहुत हो जाएगा। तो चलते हैं। और ये जो पैकेट है ये 50 ग्राम की पैकेट है, इसमें सिर्फ 50 ग्राम मिर्ची है, मिर्ची का बीज। तो ये मुझे पड़ा था 35 रियाल का, यहाँ सऊदी अरबिया का 50 ग्राम 35 रियाल, और इंडिया का हो गया 600। ये पैकेट 50 ग्राम मिर्ची का कितना पड़ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि 50 ग्राम मिर्ची कितने की इंडिया में है, यहाँ 35 रियाल सऊदी अरबिया। और इसको छीट दिए हैं कुछ इस तरह से। अब मिट्टी को, ये बीज जो है इसे ढाप देंगे, मिट्टी ऊपर से चढ़ा देंगे थोड़ा थोड़ा हल्के से, ताकि बीज निकलने में आसानी हो। अगर ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो बीज जो है वो अंदर ही रह जाएगा और ज़्यादा फिर निकलेगा नहीं, पानी पड़ेगा तो फिर मिट्टी बैठ जाएगी, तो इसलिए हल। तो फ्रेंड आज पानी हम जो है भिंडी में इस वाली जगह पे छोड़ रहे हैं पानी को। आप देख सकते हैं जो हमारी भिंडी है वो अच्छे विकास कर रही है, देखिए अभी सही चल रही है हमारी भिंडी। ये बस थोड़ा से लगाया हूँ, क्योंकि फिर कफील आ जाएगा, फिर उसको भी काम करना पड़ेगा। और आपको पता है कि सऊदीया में बैठ के कोई पैसा देगा नहीं, अभी तो कफील नहीं है, तो अभी बैठ के पैसा मिल रहा है, लेकिन जब आ जाएगा उसके सामने इस तरह से बैठूँगा, रूम पे रहूँगा, तो फिर वो उसको देखा नहीं जाएगा ना, तो इसलिए थोड़ा से भिंडी लगाया हूँ। इतना लगाया हूँ कि जितना मैं काम कर सकूँ कफील का भी और भिंडी खेत में भी। अगर फ्रेंड सब एक साथ में पूरी भिंडी लगा देता ना, ये जो खाली पूरी जगह अगर इतने पूरा लगा देता तो फ्रेंड, अगर कफील जान देख लेता ना, तो जो मेरी सैलरी है मिल रही है वो भी सैलरी नहीं मिलती, और जो भिंडी है उसमें से लेता है, वो सोचता कि ये तो भिंडी बहुत ज़्यादा लगाया है, इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आएगा। तो फ्रेंड इसलिए मैं थोड़ा सा लगाया, वो देखे तो उसको मालूम पड़े कि हाँ ये खाने पीने के, या थोड़ा सा लगाया इसको क्या फ़ायदा मिलेगा, और सैलरी भी कम है, जाने दो, हो सकता है रहम खा जाए। अगर मैं ज़्यादा लगा दूंगा, उसके नज़र में ज़्यादा पड़ गया ना, तो आप सभी को पता है जो सऊदी अरबिया में, उनको मालूम है कि कपिल लोग फिर क्या करते हैं साथ में, तो यही प्रॉब्लम है। और मेरे पूरे एक महीना के सैलरी भिंडी खरीदने में और जोतवाने में खेत को और सब कुछ दवा ववा लाने में, सब मेरा 1000 रियाल पूरा चला गया है एक महीना की सैलरी। और मालूम नहीं अभी किस्मत क्या जाने क्या होगा, भिंडी के साथ निकलेगी कि नहीं 1000 रियाल मालूम नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा लगाया। कफील भी देखे सोचे जाने दो थोड़ा सा। देखे फ्रेंड किस तरह से पानी आ रहा है, ये इसमें कटा दिए पानी, अब इसमें जा रहा है। बारिश होने वाली है, बादल घेरा है, मगर बारिश होती नहीं है, थोड़ा से हवा चलती है बादल फट जाता है, क्या करें, कब बारिश होगी मालूम नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ये जो है पानी इसको बीज में डाल दिए है, पूरा फूल हो गया है। अब इसके जो है 2 दिन के बाद फिर पानी पड़ेगा, और सुबह को आके देखना पड़ेगा ये जो मिर्ची का बीज ऊपर आया है ना, ये जब पानी सोख लेगा तो ये नीचे जाएगा। जब बीज, ये बारीक बारीक आपको बीज दिख रहा होगा ये सब, तो ये जो मिट्टी है बिल्कुल बारीक वाली मिट्टी उठा के उसके ऊपर थोड़ा रखना पड़ेगा। और ये देखिए, ये पीछे के साइड के मेरे कफील का घर है,